हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे जैसे FYJC का एडमिशन जो चालू था, सडनली उस पर स्टॉप कर दिया गया और डेट को पोस्टपोन कर दिया गया है। और बहुत सारे बच्चे एक्चुअली चिंता में हैं और उनको टेंशन भी कि उनका एडमिशन कब होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोकमत ये जो न्यूज़पेपर है, यहाँ पे आज के दिन ये आर्टिकल आया हुआ है और यहाँ पे 11 बच्चों की जो क्वायरी थी, जो टेंशन थी, इसके बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, दिनकर पाटिल जो संचालक है, देखिए उन्होंने बताया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू लगाया गया था, मतलब कि जो पोस्टपोन किया गया था, जो डेट था FYJC एडमिशन के लिए, उसको 2-3 दिन में आपका जो निर्णय होगा, जो डिसीजन होगा, उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर से आपका एडमिशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये जो पोस्टपोन किया गया है डेट, ये किस वजह से किया था, ये मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो SEBC क्लास जो कास्ट है, देखिए उनके थ्रू कुछ प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। तो मतलब 59% ज़्यादा रिजर्वेशन हो गया था, तो उसको 50% करने के लिए यहाँ पर डिसीजन लिया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कि हंसराज मोरारजी जो पब्लिक स्कूल के मेन हैं, ठीक है, मुख्य उन्होंने मुख्यमंत्री जो CM है अपने करंट महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, उनको ईमेल किया हुआ है और ईमेल करके उन्होंने बताया हुआ है और उनसे एक मार्गदर्शन दिया हुआ है कि कैसे हम क्या कर सकते हैं आगे चल के। तो बेसिकली ये जो आपका FYJC एडमिशन है, ये बहुत जल्दी आ जाएगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय ले लेंगे तो ये 2-3 दिन में यहाँ पर आ जाएगा। तो दैट इज मीन्स आप अभी ये 3 दिन वेट कीजिए और उसके बाद आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो लेके आता रहूँगा। आप मेरे चैनल पे बने रहिए। वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।